अरे गाइस यार, नन्हे को दीदी और मैं पार्टी करने गए थे। आज तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। अभी मैं जाने वाला हूँ घर पे। उनको नन्हे को दीदी को मैंने घर पे छोड़ दिया और अभी बहुत ही तेज बारिश हो रही है। चलो फटाफट से घर चलते हैं। फैंकी भैया मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चलो चलो घर पे चलते हैं। आज तो नन्हे को दीदी के साथ बहुत ही मजा आ गया। अरे ये क्या चीज है? ये धुआं कैसे निकल रहा है? अरे ये कौन है? अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे मुझे पीछे जाना पड़ेगा। अरे ये कौन आ गया सामने? अरे कितनी तेज बिजली कड़क रही है। मुझे लगता है मुझे ऐसे भागना चाहिए। अरे भागो। ये क्या हो गया? अरे लगता है कल बहुत ज्यादा बर्गर खा लिया। आज तो साइकिल चलानी पड़ेगी बहुत ज्यादा। अरे ये क्या? लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया। अरे बच्चे बाहर आ जा। अरे इसका तो बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। मुझे फटाफट से एम्बुलेंस और पुलिस को बुलाना चाहिए। हेलो पुलिस, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, फटाफट से आओ। अंकल मुझे बचा लो। अरे बेटा टेंशन मत ले, एम्बुलेंस आ रही है। ऑफिसर्स जल्दी से पता करो एक्सीडेंट कैसे हुआ था। डॉक्टर्स इस बच्चे को बचाओ। ओके इसको बचाते हैं। जल्दी से इसको एम्बुलेंस में डालो। हमको जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा वरना ये मर जाएगा। अरे इसकी हालत तो बहुत खराब है, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। अरे अंकल फेंकी भैया को बुला दो। अरे बेटा किसको? अरे फेंकी भैया को। अरे जल्दी से जल्दी इंजेक्शन लगाओ। अरे हाँ सर लगाते। अरे इसका तो बहुत सारा खून बह गया, हमें इसको खून भी देना पड़ेगा। ओके सर अभी क्या भी लेके आते हैं। अरे रुको रुको मैं देखता हूँ इसका ब्लड कैसा चल रहा है। ओह इसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, चलो इसका ऑपरेशन करते हैं। जल्दी से मुझे इसी घर पे फोन करना चाहिए, इस बच्चे के घर पे फोन करना पड़ेगा। पता नहीं कौन से फैंचिन भैया बोल रहा था, जल्दी से मुझे बुलाना चाहिए। अरे फोन उठाओ यार। आजा चौप पकड़ के दिखा। आओ फ्रैंकलिन रुक जाओ, मैं तुमको पकड़ लूंगा। अरे आजा। अरे एक सेकंड रुक, किसी का फोन आ रहा है। हाँ हेलो, क्या एक्सीडेंट कैसे? हाँ मैं आ रहा हूँ। अरे मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। आओ फ्रैंकलिन क्या हो गया? अबे शिनचैन का एक्सीडेंट हो गया। रुक ये वाली कार में नहीं जा सकता, मुझे अपनी फास्ट सुपर कार निकालनी पड़ेगी, इस वाली कार में जाऊंगा। आओ फ्रैंकलिन जल्दी बताओ क्या हो गया। अरे बाद में आके बताता हूँ। अरे शिनचैन का एक्सीडेंट हो गया, मुझे जल्दी से जल्दी वहां पे पहुंचना पड़ेगा। तो जिस हॉस्पिटल से मुझे फोन आया था वो रहा ये हॉस्पिटल, और यहाँ पे अभी मैं आ चुका हूँ। अरे आ गया आ गया। अरे शिनचैन कहाँ पे? क्या तुम्हारा नाम है? फैंचिन भैया। अरे फैंचिन भैया नहीं, फ्रैंकलिन भैया। अरे हाँ वही सेम। अरे शिनचैन का ऑपरेशन चल रहा है, तुम जा सकते हो। क्या ऑपरेशन? अबे ये शिनचैन कहाँ गया यार? कल तो यार नन्हे को दीदी के साथ पार्टी करने गया था, ऑपरेशन कहाँ चलने लग गया इसका? कहाँ है? और एक सेकंड ये देखते हो सामने यार शिनचैन का ट्रीटमेंट चल रहा है। अरे ये क्या चल रहा है? गाइस यार अगर आप चाहे तो शिनचैन का ट्रीटमेंट बिल्कुल सही हो जाए, उसका ऑपरेशन बिल्कुल सही से हो जाए, तो फटाफट जाकर शिनचैन गेट वेल सून कमेंट्स में जाके लिख दो ताकि वो सही हो जाए। अरे पुलिस ऑफिसर उसका एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? एक ब्रिज के नीचे हुआ था, गाड़ी पूरी फूट चुकी थी और ये लड़का वहाँ पे पड़ा था। क्या गाड़ी फूट गई थी? इसके दिमाग में तो बहुत सारी अलग अलग चीजें आ रही है, ये कौन सी मैजिक वाली चीजें है? ये तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। मैं उठ गया। अरे ये बच्चा तो ठीक हो गया, हमने तो इसको ऑपरेशन अभी तक किया भी नहीं था। अरे ये ठीक कैसे हो गया? अरे अंकल थैंक यू मुझे ठीक करने के लिए। अरे फेकी भैया कैसे हो? अबे शिनचैन क्या वजह रही है? कहाँ है शिनचैन? अरे फेकी भैया मैं आ गया। अबे शिनचैन तो ठीक हो गया। अरे फेकी भैया मेरा तो ऑपरेशन भी नहीं हुआ पर मैं तो ऐसे ही ठीक हो गया। बिना ऑपरेशन के ठीक हो गया? अरे फेकी भैया मैं तभी कैसे नहीं। अबे मैं तेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, कैसे गाड़ी चलाता है भाई, एक्सीडेंट कैसे हो गया? अरे फेकी भैया मैं रात को जा रहा था, वहाँ पे सामने कोई मैजिक कबूतर आया लगता है, वो सामने मैजिक कर रहा था, फिर मैं जैसे भागा तो मेरे ऊपर बिजली गिर गई। क्या मैजिक कबूतर बिजली? अबे लगता है तेरे दिमाग में थोड़ा असर हो गया। चल अपन घर पे चलते फटाफट से, आ जा। अरे फेकी भैया गाड़ी तो बहुत खतरनाक है। अरे यार शिनचैन गाड़ी तो बहुत खतरनाक है, फटाफट से बैठ जा। अबे एक सेकंड ये क्या किया तूने? अरे फेकी भैया मैंने क्या किया? अबे ये गाड़ी गोल्ड की कैसे हो गई? अरे फेकी भैया तो सही में गोल्ड की हो गई। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड गेमिंग ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रोटेला है। लोटस 365 सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है, 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ 1000+ लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड जीत सकते हैं। लाइव क्रिकेट मैच और फुटबॉल मैच के दौरान डेली विनिंग टीम के प्रेडिक्शन करें और डेली जीते। लोटस 365 सबसे फास्ट विड्रॉल प्रोवाइड करता है और आप अपनी विनिंग अमाउंट इंस्टेंट अपने अकाउंट में पा सकते हैं। आप लोटस 365 पर लाइव मैचेस देख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको सबसे बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशन भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात है कि इसमें 24/7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेले और आईफोन 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिवअवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। लिंक कमेंट बॉक्स में, फटाफट से जाके खेलो। एक सेकंड
ये गाड़ी तो गोल्ड की हो गई। अबे शिनचैन तूने क्या किया? अरे विकी मैंने तो कुछ नहीं किया। अबे शिनचैन मैं समझ गया, जो रात को तूने मैजिक देखा था और वो बिजली तेरे ऊपर गिरी थी ना, उससे तेरे को शक्तियाँ मिल चुकी है और तू यार इस गाड़ी को जैसे तूने टच किया वो गोल्ड की कन्वर्ट हो गई। अरे मैं तो बहुत ही खतरनाक हूँ। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट पर और वहाँ पे जो हमारा प्लेन खड़ा है उसमें हम जाके उसको कन्वर्ट करेंगे गोल्ड में। तो गाइस फटाफट से अपन एयरपोर्ट में एंट्री ले लेते हैं। और क्या ही एंट्री ली हमने गाइस, शिनचैन को तो बहुत ही खतरनाक वाली पावर्स मिल गई है। मुझे टेस्ट करना है ये पावर सिर्फ गाड़ियों पर चलती है या फिर प्लेन्स पे भी चलेगी। तो गाइस अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। एक सेकेंड, ये यहाँ पे इतनी सारी पुलिस क्या कर रही है? अरे क्या हो गया यार, फिर मैंने क्या कर दिया? आओ फ्रैंकलिन आओ, तुमने इस प्लेन के सारे पैसे नहीं दिए इसलिए हम इस प्लेन को जब्त कर रहे हैं। अरे क्या, क्यों जब्त कर रहे हो? ये तो मेरा प्लेन है ना। अरे तो इसके पैसे कौन देगा? पैसे पैसे, अरे विकी पे मैं हूं ना। अबे तू कैसे पैसे देगा? अरे विकी पे मैं इनके सारे की सारी गाड़ियां गोल्ड में कन्वर्ट कर दूंगा। अरे हाँ बहुत ही बढ़िया आइडिया है। अरे अंकल मेरी बात सुनो, ये जो बच्चा है ना ये आपकी सारी की सारी गाड़ियां यार गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा, चलेगा ना? अरे क्या असली गोल्ड में? अरे हाँ नहीं तो क्या, नकली गोल्ड में थोड़ा करेगा, आपको चलेगा ना? अरे हाँ चलेगा चलेगा, तो शिनचैन कर दे फटाफट से। अरे ठीक है फैंकी भी है, तो गाइस इनकी फटाफट से सारी की सारी गाड़ियां गोल्ड में कन्वर्ट कर देते। ये एक इस वाली को करते, ये दूसरी वाली को। अरे मैं तो गिर गया, चलो चलो फटाफट से तीसरी वाली को भी कर देते गोल्ड में कन्वर्ट। इन सबको मैंने टच किया और ये हो जाएगी गोल्ड में। अरे गाइस ये सारी की सारी गाड़ियां गोल्ड में कन्वर्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो कितनी खतरनाक लग रही है। अरे फैंकी भी हो गया। अरे बहुत बढ़िया, ये गाड़ियां तो बहुत ही मस्त कर दी, पहली बार मैंने पूरी गोल्ड की गाड़ी देखी, वो भी मेरी। वाह वाह वाह, वो प्लेन तुम रख लो, हम इस गाड़ी को लेके जाते। वाह वाह क्या गाड़ी है। तो गाइजर वो हो चुका है बिल्कुल खुश और वो गाड़ी लेके जा रहा है अपनी पूरी की पूरी गोल्ड की। और गाइजर ये प्लेन भी हमारा हो चुका है। तो गाइजर फटाफट से चलते अपन इस प्लेन के अंदर और इसको कन्वर्ट करते गोल्ड में, देखते क्या ये प्लेन कन्वर्ट हो पाएगा गोल्ड में। शिनचैन फटाफट से बैठ जा। अरे यार फेंकी भी है। तो गाइजर देखते भाई ये ब्लैक कलर का प्लेन है, बिल्कुल ब्लैक है, क्या ये गोल्ड में कन्वर्ट हो पाएगा? फटाफट से देख। अबे शिनचैन जल्दी करना। अरे विकी भी आ रहा हूं ना, रुको रुको। और ये शिनचैन प्लेन में बैठ चुका है और गाइजर हमारा लगता है प्लेन कन्वर्ट हो चुका है। फटाफट से बाहर निकाल के देखते हैं और ये बस धूप में आ जाए तो दिख जाएगा। और गाइजर हमारा प्लेन कन्वर्ट हो चुका है पूरे के पूरे प्योर गोल्ड में। तो गाइजर ये प्लेन तो बहुत ही ज्यादा महंगा बिकेगा, अगर मैं इस प्लेन को बेचूं तो ये बहुत बहुत ज्यादा महंगा बिकने वाला है कि एक घर आ जाएगा, एक बिल्डिंग आ जाएगी पूरी की पूरी। तो गाइजर अगर आपको इस प्लेन को खरीदना है तो फटाफट से कमेंट में इसकी प्राइस बता दो, आपको कितने पैसे में चाहिए। तो गाइजर अभी यार हमारा प्लेन तो गोल्ड का हो गया और अभी हम शिनचैन और मैं जाने वाले कार्स की शॉपिंग पे। पर यार इस बार हम कोई अलग जगह में जाने वाले, वैसे तो हम यार बड़े बड़े शोरूम से गाड़ियां खरीदते हैं पर आज हम खरीदने वाले इन छोटे से शोरूम पे। इनके पास ज्यादा अच्छी गाड़ियां तो नहीं है पर यार कितनी बार यार हम महंगे महंगे शोरूम्स को महंगा महंगा पैसा देंगे। हम देने वाले इन भैया को पैसे, इनके पास ये सारी की सारी गाड़ियां, ज्यादा अच्छी गाड़ियां तो नहीं है पर हम इनसे यार ये खरीदने भी नहीं वाले। इनकी सारी की सारी गाड़ियों को हम गोल्ड में कन्वर्ट करके इनको दे देंगे ताकि इनकी मदद हो जाएगी और यार हमें भी मजा आ जाएंगे, सिर्फ यार एक या दो गाड़ी ले लेंगे। तो शिनचैन शुरू हो जा। अरे ठीक है फैंकी भी। अरे अंकल आप टेंशन मत लो, आपको बहुत ही बढ़िया गिफ्ट मिलने वाला है। तो गाइस यार जब तक शिनचैन यार सारी की सारी गाड़ियों को टच करके गोल्ड का कन्वर्ट कर रहा है, आप यार मुझे कमेंट करके बता दो आपकी सबसे फेवरेट गाड़ी कौन सी है, वो भी हम लेंगे और उसको गोल्ड करके घूमेंगे, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। फटाफट से मुझे कमेंट करके अपनी फेवरेट गाड़ी का नाम कमेंट में कर देना। और ये शिनचैन ने बस लास्ट गाड़ी छू ली है और सारी की सारी गाड़ियां हो चुकी है गोल्ड में कन्वर्ट। अंकल आप खुश तो है ना? अरे बेटा आज तक कभी गोल्ड की गाड़ी नहीं देखी थी, थैंक यू थैंक यू। अरे अंकल कोई बात नहीं। तो गाइस यार मैंने खरीदी अंकल से ये वाली एक कार और बाकी सारी की सारी गाड़ियां इनकी गोल्ड में कन्वर्ट कर दी है। अगर ये उन गाड़ियों को बेचेंगे तो बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले और इनकी गाड़ियां बिक भी जाएगी आराम से क्योंकि सारी की सारी गोल्ड की है। और अब अपन चलते हैं अपनी असली कार शॉपिंग में, मतलब यार ये वाली कार तो हमको उनको गिफ्ट देनी थी, बस अब हम जाने वाले अपनी असली कार शॉपिंग पे। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने लिए सुपर कार्स खरीदे और देख सकते हो सामने बहुत सारी तगड़ी तगड़ी कार्स खड़ी है। आज शिनचैन फटाफट से, तो गाइस यार मैंने आ रहे एक यार डीलर से बात करी थी और ये रहा वो जिस शहर मैंने बहुत सारी तगड़ी तगड़ी महंगी महंगी कार्स मंगवा ली थी। कैसे हो भैया? अरे मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ, आपके सारे के सारे गाड़ी आ चुकी है, बताओ कौन सी खरीदनी है? अरे एक तो ना खरीदी, मुझे तो सारी की सारी खरीदनी है। क्या सारी की सारी? आपके पास इतने पैसे है भी? अच्छा ज्यादा बोल रहा है क्या? अभी रुक जा शिनचैन, फटाफट से सारी सारी गाड़ियां गोल्ड में कन्वर्ट करते और अपन सबको खरीद लेते हैं। और एक सेकंड, ये गाड़ी कौन सी है? अरे
अरे सर ये तो मेरी गाड़ी है। क्या तेरी गाड़ी है? चल आज से ये गाड़ी मेरी हो गई। क्यों सर? सर सर ये तो मेरी गाड़ी है। अरे पैसे दे देंगे ना। अरे भाई साहब क्या ही लाइटें जल रही है। अरे गाइस ये वाली गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये देखो भाई क्या ही मस्त मस्त लाइट निकल रही है। गाइस फटाफट से कमेंट करके बता दो आपको ये गाड़ी कैसी लगी और ये कितनी ज्यादा तेज भाग रही है। और ये गाड़ी तो बहुत ज्यादा मस्त है। ये गाड़ी मैं पक्का खरीद के रहूंगा। ये उसकी गाड़ी थी पर अभी हमने खरीद ली है। तो गाइस फटाफट चलते बाइक देखो तो सारी कितनी ज्यादा तेज चल रही है ये। और ये शिनचैन ने सारी की सारी गाड़ियों को कन्वर्ट कर दिया गोल्ड में। बहुत ही तगड़ी लग रही है सारी की सारी गाड़ियां। तो फटाफट से अंकल इसका प्राइस बता दो। सर ओनली $50 million। अच्छा ठीक है फटाफट शिनचैन इसको पेमेंट कर दे। तो गाइस हमने सारी की सारी गाड़ियां यहां पे खरीद ली है और इन सारी गाड़ियों को हम लेके जा रहे हैं अपने नए नए घर में। जी हाँ मैंने खरीद लिया एक बहुत ही बड़ा सा घर, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियां खरीद करने के लिए हमारे पुराने घर में जगह नहीं थी, इसलिए मैंने ले लिया नया नया घर। फटाफट से इन सारी की सारी गाड़ियों को लेके चलते, बहुत ही मजा आने वाला है। अरे कहां जा रहा हूं मैं, एक तो ये ट्रेलर चलाना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। तो फटाफट से चलते अपनी इन सारी की सारी मस्त मस्त गाड़ियों को लेके। भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, सारी की सारी गोल्ड कार्स चलाएंगे। तो गाइस अभी हम पहुंचने वाले अपने घर में और हम ये बस पहुंच चुके। और गाइस ये लिए मैंने इतनी बड़ी सी बिल्डिंग अपने लिए, मतलब मैं और शिनचैन यहां पे रहने वाले। तो गाइस फटाफट से सारी की सारी गाड़ियां। एक सेकेंड, मेरी गाड़िया का चली गई। अबे ये क्या हो गया? अबे गाड़िया मैं लाया तो था। अबे ये क्या हो गया? अबे चलो ठीक है छोड़ो, और ला देंगे गाड़िया। तो गाइस मेरे ट्रेलर में से सारी सारी गाड़िया गायब हो चुकी है, जो कि मैंने सोचा इस गैराज में खड़ी करूंगा, पर वो तो लगता है कहीं चली गई उसमें से। मुझे तो पता भी नहीं चला कब निकल गई उसमें से। कोई बात नहीं, शिनचैन अपने साथ है, किसी भी चीज को टच करता है तो वो गोल्ड की हो ही जाती है। अभी आपको टूर करा दो हमारे नए नए घर का। गाइस ये हमारा नया नया घर, यहाँ पे बड़ा सा सोफा लगा हुआ है और यहाँ पे मतलब यार हमारे रिसेप्शनिस्ट बैठेंगे, जो कि यार हमारी है ना मीटिंग्स देखेंगे, मतलब जो भी आएगा उसकी मीटिंग सेट करेंगे। यहाँ पे हमारा छोटा सा सोफा लगा हुआ है और ये तो आपका गैराज था ही, जहाँ पे मैं गाड़ियाँ खड़ी करने वाला था, पर हमारे पास तो अब तक गाड़ियाँ ही नहीं है। यहाँ पे कपड़े वपड़े धोने की यार वॉशिंग मशीन लगी हुई है। और गाइस अभी आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे, जो कि एक सीक्रेट रूम, मतलब सीक्रेट नहीं है स्टोरेज रूम है। यहाँ पे यार बहुत ही महंगी महंगी मूर्तियां, बहुत ही महंगी महंगी चीजें खड़ी है और यहाँ पे ज्वेलरी भी पड़ी है जो कि बहुत ही ज्यादा मस्त है। यहाँ पे क्या है ये पता नहीं क्या है। तो गाइस आपको लेकर चलता हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे। इस एयरपोर्ट के पूरे घर में 4 फ्लोर है, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला घर है। फटाफट से चलते हैं पर अपने सेकंड फ्लोर पे और सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी क्या। तो गाइस इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ चुके हम आ चुके हैं ऊपर और आप देख सकते हो ये रहा हमारा डाइनिंग टेबल। और यहाँ पे देख सकते हो ये डाइनिंग टेबल, ये छोटा सा टेबल और यहाँ से मस्त लग रहा है। और ये सोफा ऊपर लगा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, ये है हमारा बाथरूम। ये क्या अजीब सा है, यहाँ पे तो कोई गेट वेट नहीं लगा हुआ, ये तो अलग ही चीज मैंने देखी। अभी तो सिर्फ ये फर्स्ट फ्लोर है, इसके ऊपर बहुत सारे फ्लोर और है। और यहाँ पे देख सकते हो मस्त यार क्या ही व्यू आता है। यहाँ पे तीन तीन ऐसे बेड लगे हुए और यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर, जहाँ पे हमारे सारे सारे काम करेंगे, मतलब जो हमारे वर्कर्स हैं वो हमारा काम देखेंगे। और यहाँ पे चल लेते, ये हमारा मस्त सा किचन, यहाँ पे सारी की सारी चीज आपको मिलने वाली है खाने के लिए। और ये रहा हमारा यार ऑफिस, मतलब यार पूरा का पूरा यहाँ पे बैठ के मस्त यार मीटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ा सा टीवी लगा हुआ है, बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा हुआ है और देखते हैं यहाँ पे क्या है। और यहाँ पे भी मस्त सा बड़ा सा सोफा लगा हुआ है। तो फर्स्ट फ्लोर कुल मिला के हम मान सकते हैं हमारा ऑफिस एरिया है, मतलब ऑफिस फ्लोर बोल सकते हैं। ये लॉस सैंटोस का मैप लगा हुआ है। अब चलते हैं हमारे अपने सेकंड फ्लोर पे। तो ये तो था हमारा ऑफिस फ्लोर, अभी आपको लेकर चलता हूं हमारे सेकंड फ्लोर पे। जो वो कौन सा फ्लोर है वो तो मुझे भी नहीं पता है, मुझे खुद देखना पड़ेगा। और यहाँ पे सामने मुझे दिख चुका है पहले तो जिम, यहाँ पे देख सकते हो हमारा पूरा पर्सनल प्राइवेट जिम बना हुआ है। यहाँ पे मस्त मस्त व्यू दिखते हैं लॉस सैंटोस के, पूरे के पूरे लॉस सैंटोस के। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी किचन बना हुआ है, हर फ्लोर के लिए अलग अलग किचन है। इतना बड़ा सा फ्रिज बना हुआ है यहाँ पे। और देखते हैं इस फ्लोर पे क्या क्या चीजें बनी हुई है। और यहाँ पे हमारा बेडरूम भी है। तो गाइस ये हो सकता है हमारा प्राइवेट फ्लोर, मतलब यहाँ पे बेडरूम बेडरूम है और हमारा जिम भी है। और यहाँ पे बड़ा सा सोफा लगा हुआ है, बड़ी सी टीवी लगी हुई है, मस्त मस्त गेम खेलने के लिए। आपका सबसे फेवरेट गेम कौन सा है वो मुझे कमेंट करके बता देना, वो हम इस टीवी बैठ के खेलेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो ये बाकी चीजें। और सामने यार यहाँ से बीच का व्यू भी आता है बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला। ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर, ये ऐसे ही सोफा यहाँ पे लगा हुआ है। और अभी हम आ चुके हैं हमारे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, जहाँ पे हमारा खड़ा है गोल्डन एयरप्लेन। ये गाइस प्लेन है, मतलब पहले तो नॉर्मल ही था, शिनचैन ने इसको टच किया और वो गोल्ड का बन गया। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं कुछ भी चीज यार नॉर्मल प्राइस पे खरीदता हूँ, फिर शिनचैन को उसको टच करवाता हूँ वो गोल्ड की बन जाती है, फिर उसको मैं बेचता हूँ तो वो डबल ट्रिपल चौपल प्राइस में बिकती है। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बता दो हमारा घर आपको कैसा लगा और हमारा गोल्डन प्लेन कैसा लगा, फटाफट से मुझे कमेंट करके बता देना। अभी मैं जा रहा हूँ राइड पे।
आप भी जाओ राइट पे। तो गाइस यार आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चाहे वो सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसे लगी वीडियो फटाफट से जाकर कमेंट में बता दो। और गाइस यार इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाके ज्वाइन फॉलो कर लेना, और ये जो वीडियो आ रही है इसको भी फटाफट से जाके देख लो, बहुत ही ज्यादा मस्त वीडियो है। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।